काका बाबा बदान राम राम हूँ आवी गयो तमारी वसमा मुकेश परमार खबर लेने। आज बात कर ली जेवी रीते फूलवाड़ी पार्टी आने की अलग अलग सीटों पर आने की 47 सीटों पर आसपास एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही कि जन आशीर्वाद यात्रा आने की सरकार है हूँ योजनाएं करियो हूँ विकास करियो तीनी माध्यम थी एक रथ बनाए थी रथ अलग अलग जिलों अलग अलग विधानसभा सीटों तक जाहिर हो जेवी रीते हमारी याद का झाबवा में भी काल आवाने से आने की तीनी हारू एक नेतो फिक्स नहीं मिला अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेतो बनाए मिले ते रीते ज्योतिराज सिंधिया जो मोदी सरकार में जो कि ब्रिटेन मंत्री से आज काल तो झाबवा पूखे मारी हाथे जो आहन जन आशीर्वाद यात्रा जो जिले ने प्रभारी बनाए मिलियो अजय जी पोरवाल। अजय जी भाई साहब आप किस तरह इस यात्रा झाबवा में आ रही है जन आशीर्वाद यात्रा किस तरह इसको देखते हैं क्या इसका रूट रहेगा? जन आशीर्वाद यात्रा कल शाम 5 बजे जोबट से होती हुई राणापुर में झाबुआ जिले को मिलेगी और राणापुर में एक रथ सभा का कार्यक्रम है शाम को 5:30 बजे। उसके बाद यात्रा वहां से प्रस्थान करेगी झाबुआ की ओर, झाबुआ ढेकल होते हुए झाबुआ आएगी। झाबुआ में टंटिया मामा की प्रतिमा पे पहला स्वागत है, उसके बाद में वहाँ से होती हुई राजगढ़ नाका, राजगढ़ नाका से डीआरपी लाइन से कालका माता मंदिर होते हुए राजवाड़ा पहुँचेगी। राजवाड़ा पे एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। उसके पश्चात वो सजन रोड वाला जो एरिया है वहाँ से होती हुई मरी माता चौराहे से होती हुई स्थानीय बस स्टैंड की ओर आएगी। बस स्टैंड पर एक बड़ी आम सभा होना है जो पूरे झाबुआ विधानसभा के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। उस यात्रा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में रहने वाले हैं और रात्रि विश्राम भी माननीय मंत्री जी का यही झाबुआ में ही होने वाला है। इसके अलावा और कोई मंत्री है या उसके साथ पार्टी से संबंधित कोई और नेता है? यात्रा के अंदर अलग अलग 5 यात्राएं आपको जैसे ज्ञात होगा चल रही है पूरे प्रदेश भर के अंदर। हमारी जो यात्रा क्रमांक 3 है उसके अंदर भी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, संगठन मंत्री हो गए, हमारे संगठन के प्रभारी हो गए, तुलसी सिलावट जी हैं, जयपाल चावड़ा जी हैं आईडीए के अध्यक्ष, इस प्रकार से अन्य पदाधिकारी भी रहने वाले हैं उनके साथ में, वो यात्रा में चल ही रहे हैं। तो हमको कल शाम को जब जोबट से यात्रा मिलेगी तो उसके पश्चात जो जो पदाधिकारी वहाँ से आएंगे वो भी यात्रा में रहने वाले हैं। माननीय सिंधिया जी इसमें मुख्य वक्ता रहने वाले हैं। यात्रा का मेन उद्देश्य क्या रहा है? क्योंकि अब चुनाव आते ही सरकार या पार्टी को यात्राएं निकालने का याद आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी है। देखिए आप देखेंगे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में उमाजी के समय में हो या शिवराज सिंह जी ने जब से कमान संभाली है तो चुनाव के समय में जन आशीर्वाद यात्राएं हम निकालते रहे हैं, पूर्व में भी निकाली गई है। और जन आशीर्वाद यात्रा का जो उद्देश्य होता है जन जन तक पहुँचना है, जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जब चुनाव आते हैं तो सरकार का भी कर्तव्य है और जनता का भी कर्तव्य है कि जिस सरकार ने हमको इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचा है तो उसको भी हम आशीर्वाद रूपी मत के रूप में आशीर्वाद दें और उसको प्रचंड बहुमत से जिताएं और जन जन तक पहुंचना इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में, किस तरह देखते हैं आप? कांग्रेस देखिए झूठ बोलने का काम करती है, किस प्रकार का आक्रोश है आप देखिए ना। जब 15 महीने की सरकार थी तो कांग्रेस ने इस प्रदेश का क्या हाल कर दिया, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन सबको बंद करने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी नहीं दे पाए, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की नहीं कर पाए। झूठ बोलना भ्रम फैलाना कांग्रेस का एकमात्र काम है। और ये जो जन आक्रोश की बात करती है, कांग्रेस के प्रति जनता का आक्रोश है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार में फिर से लाने वाली है और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देने वाली है इस प्रदेश से। यहाँ पर क्या किस तरह की सभा आयोजित, क्या तैयारियाँ? सभा को लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां हो रही है, बैठक हो रही है, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जिले के महामंत्री, अन्य पदाधिकारी जो हैं सारे लोग पूरी विधानसभा में घूम के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके बैठकों का दौर चालू है और साज सज्जा और इस प्रकार की सारी अन्य तैयारियां जो है वृहद स्तर पर हो रही हैं और बहुत अच्छी सभा होने वाली है इस झाबुआ बस स्टैंड पर। तो हेवी रीते बात करें ये जिले में जो प्रभारी बनाए मिले जो अजय सिंह पोरवाल है, जिन्हें यहाँ का जो यात्रा है जन आशीर्वाद यात्रा रैली निकाल रही है, उस ये रैली के माध्यम से जन जन तक पहुँचने का उनका एक नारा है कि जब इतने सुनाव आवी रहो तो लोग घेर घेर जाए बद्दी कड़ो नेता कर है हाथ जोड़ है पाँव पड़े है बद्दी कड़ो, क्योंकि हाँ सुनाव आती वक्त उनसे 5 साल में देखा ही नहीं, लेकिन सुनाव आती वक्त बद्दी कड़ो देखावा लागी रही हो, रंग बिरंगा देखा ही रहा, कहना धोला देखा है कहना पीला देखा है, अलग अलग कलर ना झंडा भी देखा है, घेर जाए पाँव पड़े हाथ जोड़े बद्दी कड़ो था रो तीन हारू अलग अलग माध्यम थी। कांग्रेस की बात करी तो कांग्रेस भी जन आक्रोश रैली निकालवाने की बात कर रही अंत फूल वाली पार्टी की हमारी जो सरकार ने योजना से धरातल पर उगी से तीन हाथ में एवं रीति बातें निकली ना कहवी रीते ये बस स्टैंड पर आ जो काल सभा है था है यानी कि जोबट की रैली झाबवा में आए राणापुर थे हाय आ झाबा है आर की
सभा था एनी बाद समापन था तभी निकले तो हेवी रीतनी हूँ मुकेश परमार तुम्हारी फेर एवं खबर अन जानकारी आप तो क्या खबर आपदा राम राम।